आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद शांतिका में। तो आज हम सीखेंगे कैसे थाईलैंड से मंगवाए हुए DHA एडेनियम सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। और लास्ट में आपके लिए रहेगा कुछ बोनस टिप्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा थाईलैंड कंट्री से मंगवाया हुआ एडेनियम DHA सीड्स है। इसके जर्मिनेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले हम लेंगे एक क्लीन या टाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बॉक्स, जो कि पूरा का पूरा जर्म फ्री होना चाहिए। अब उसके बाद हम एक कप में फिल्टर्ड किया हुआ पानी ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एक टिश्यू रोल, और उसके बाद हमें लगेगा एक फंगीसाइड। अब हम प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। इसके लिए हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं और उसमें टिश्यू पेपर का 5-6 लेयर बिछो देते हैं। आप देख सकते हो, ऐसे करके अपने हाथों के मदद से टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से बिछो देना पड़ेगा। अब हमारा टिश्यू पेपर से लेयरिंग हो गया। अब उसके बाद हमको करना यह है कि हम थोड़ा सा फंगीसाइड लेंगे और उसको पानी में एक चम्मच की मदद से मिला देंगे। फंगीसाइड आपको बहुत ही थोड़ा सा लेना है। अब देख सकते हो, बहुत ही लिटिल अमाउंट का फंगीसाइड हम ले लिया है। और अब हम इस फंगीसाइड को एक चम्मच की मदद से पानी में मिला रहे हैं, और इस फंगीसाइड वाले पानी को हम चम्मच की मदद से टिश्यू पेपर में ऐसे छिड़क के स्प्रेड कर देंगे। अब हाथों की मदद से हमें टिश्यू को थोड़ा सा सेट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा PPL DHA सीड्स है और ये थाई DHA का सीड्स है, और ये जाइंट जापान हमें गिफ्ट में मिला। अब हम इस सीड्स को खोल रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारे सीड्स, और हम अब इसको एक एक करके टिश्यू के ऊपर बिछो देंगे।
इस PPL-DHA वाले सीड्स को भी पिछो दे रहे हैं। और ये है हमारा जाइंट जापान एटेनियम का सीड्स। अब हम इस सीड्स को भी बिछो दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा सारा सीड्स बिछोना हो गया। अब हम एक सिंगल लेयर टिश्यू पेपर इसके ऊपर ऐसे हल्के हाथों से स्प्रेड कर देंगे और हल्के हाथों से इसको प्रेस करके ऐसे सेट कर देंगे। अब हम इस बॉक्स के अंदर जमे हुए एक्सेस वाटर को निकाल फेंकेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का काम। 6 घंटे बाद अब हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सीड्स पहले के मुकाबले फूल गया है। अब हम ऊपर के कवर किए हुए टिश्यू को रिमूव कर देंगे। अब हम एक सीड अपने हाथ पे लेकर उसके ऊपर के ब्राउन कलर के छिलके को रिमूव करेंगे। अब इसके अंदर और एक छिलका है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसे हमें हल्के हाथों से बहुत ही सावधानी के साथ रिमूव करना पड़ेगा, वरना ये सीड टूट सकता है। हम एक और सीड छिलका उतार के आपको दिखा रहे हैं आपके सुविधा के लिए। बस वही बॉक्स में रख देना है और बॉक्स को प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देना है।
तरीके से मिले। अपडेट के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।